महीने से तनख्वाह बंद है, सैलरी छोटी है। आप लगातार देख सकते हैं पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज को यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है। ये देख सकते हैं लगातार आपको तस्वीरें दिखाते हुए पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज को लगातार देख सकते हैं डिटेन किया जा रहा है। जम्मू पुलिस द्वारा डिटेन किया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। पुलिस द्वारा यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। पीएम पैकेज जम्मू पुलिस द्वारा डिटेन करते हुए यहाँ पर प्रेस क्लब के अंदर धारा 144 लागू। हमारी जगह नहीं है, जम्मू में भी हमारी जगह नहीं है, हमको जाना चाहिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को डिटेन करते हुए जम्मू पुलिस हमें बताया जाए पुलिस सलेंडर नहीं लेते आते हो और हम आते हैं। आज आपको विरोध प्रदर्शन करने से भी रोका गया, हमारे चुके वाइस हो गए यही हूँ। आप देख सकते हैं कि स्पीड देखें प्लेस को डिटेन कर दिया गया है। यहाँ पे जम्मू पुलिस द्वारा कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को यहाँ पर डिटेन कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हो लगातार, जिसमें महिलाएं भी मौजूद है, ये तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं लगातार। ये प्रेस क्लब के बाहर की तस्वीरें आपसे साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। धारा 144 जो प्रेस क्लब के अंदर लागू हुई आज, आज से यहाँ पे प्रदर्शन करने का सब मना किया गया, यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगे आना जम्मू हम जानते हैं आपने हमारे साथ कॉर्डल बिहेवियर किया, हमने ना ट्रैफिक को डिस्टर्ब करना है ना किसी को, मीडिया एड्रेस करते हैं 500 रुपए नहीं आपको नहीं सर, तो फिर कीजिए सैलरी बंद है, हम वो बता रहे हैं हमारी सैलरी बंद है सर। यहाँ तो आप कह रहे हैं यहाँ पहले बाहर हम किसी ब्लॉक के इसको नहीं, तब हमने आज तक 290 दिन तो जो मुझे कस्टडी में आपको लेना पड़ेगा, अगर आप लोग मैसेज आपसे करीब हमारा अपना पहले जस्ट फोटो।
मासूमों की कत्लो कारत का बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों की कत्लो कारत का बंद करो, बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। बंद करो ये टारगेट किलिंग, बंद करो। बंद करो, बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। टारगेट किलिंग बंद करो। जस्टिस, जस्टिस, वी वांट जस्टिस। ऑनली सॉल्यूशन रिलोकेशन, ऑनली सॉल्यूशन रिलोकेशन। वन डिमांड, वन सॉल्यूशन रिलोकेशन, 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 रिलोकेशन। किसी से भी मांगते संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा है। भीख मांगते हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जुलम की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, इंसान जुलम की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, इंसान जुलम की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। देखिए आज सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी से, ऑनरेबल गृह मंत्री अमित शाह जी से, एलजी साहब से कि सर हम जब कश्मीर घाटी से बाहर आए थे हम वहाँ टारगेट किलिंग के चलते जो हमारी टारगेट किलिंग हो रही थी, निर्मम हत्या हो रही थी, वो लगातार हो रही थी। हमें एक बारी में इतना डर बैठ गया मन में कि हम जब घाटी जाते हैं तो हमें हम चाहते हैं आपके पास एक ऐसे प्लान हो जिसमें आप हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को एंश्योर कर सके। लेकिन अगर हमारी तनख्वाह 6 महीने से बंद है, हमने वो भी बर्दाश्त किया, लेकिन आज महाशिवरात्रि का पर्व है, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है, उस पर अगर हमारी तनख्वाह बंद रहेगी, आप हमें बताइए हमारी गलती क्या है? अगर हमें वहां मारा जा रहा है लाइव, क्या कहना चाहेंगे? आज आपका जो प्रदर्शन यहां पर हो रहा है और उसको लेकर लगातार आपको बोला जा रहा है कि आप कश्मीर में ज्वाइन करें तभी आपको सर्विस मिलेगी। देखिए जो बोला जा रहा है कि कश्मीर में आप ज्वाइन करें उसके पीछे जो एक स्ट्रांग बेसिस होनी चाहिए वो स्ट्रांग बेसिस हमें दिख नहीं रही है। अगर कोई एक बाकायदा एक हमें एक सिक्योरिटी अपरेटस हमारे सामने डिफाइन किया होता जिसपे हम भरोसा करके वहां पर चले जाते, कोई भी ऐसा अपरेटस नहीं है जिसपे हमें भरोसा करना है। वहां जाके पता नहीं किसकी डेड बॉडी वापस आएगी, तो हमारा बिल्कुल ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है वहां जाके अपनी डेड बॉडी अपने माता पिता को गिफ्ट करने का। हाँ, दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसमें जब तक आपको कोई फैसला लेने में जब तक आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई आपको अड़चन आ रही है, तब तक आप ये जो सैलरीज है ये एंश्योर करें। देखिए लास्ट टाइम जो कश्मीरी पंडित ने हेल्पलेस, देखिए पेनफुल शिवरात्रि है, पिछले कई सालों से कश्मीरी पंडित मनाया है, लेकिन जो हेल्पलेस शिवरात्रि थी वो लास्ट टाइम मुगल एरा में जो जब्बार खान का रूल था तब जो हेल्पलेस शिवरात्रि, उसके बाद आज पहली बार कश्मीरी पंडित हेल्पलेस फील कर रहा है, जिसका ऐसे लग रहा है ना पॉलिटिकली उसका कोई है, ना ब्यूरोक्रेसी में कश्मीरी पंडित का कोई है, ना इस जमीन पे कश्मीरी पंडित की का कोई मुझे कोई हक दिखता बनता जा रहा है। तो इसलिए उम्मीद है कि सरकार इस चीज को समझे और जल्द से जल्द हमारी सैलरी एंश्योर करे ताकि हम शिवरात्रि का जो त्यौहार मना सके। थैंक यू। ये जो सिक्योरिटीज और जो एजेंसीज ये जानते क्या किया, तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था इनका, क्योंकि महाशिवरात्रि आने वाली है, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनकी जो सैलरी है पिछले 7-8 महीनों से जो बंद है वो सैलरी के उसकी वो मांग के लिए है, क्योंकि माननीय एलजी साहब ने बोला कि दरवाजे खुले हैं, मगर मुझे नहीं लगा है कि अभी तक इनके लिए दरवाजे खुले न खोल दिए गए हैं। तो ये मैं भी इनके साथ यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ कि कम से कम जो सैलरी है इनकी, जो एक बहुत बड़ा त्यौहार है हमारा, खासकर कश्मीरी पंडितों का जो त्यौहार है महाशिवरात्रि, उस पर इनके जो बच्चे हैं वो मतलब बड़ा दिन अच्छी तरह मनाए, इनका परिवार अच्छी तरह मनाए, इसलिए हुए। बाकी जो एक कम्युनिटी हमारी है इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर वक्त साथ दिया है, जो भी गवर्नमेंट आपने निर्णय आज तक लिया है उसके हर वक्त साथ रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं जब हम एक पीसफुल कम्युनिटी है, जब हम 90 में वहां से निकले हम किस लिए निकले वो भी सबको पता है, तो आज गवर्नमेंट को इनके साथ इस ये रवैया नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को इनकी जो डिमांड है वो माननी चाहिए। बिल्कुल 290 से ज्यादा दिन उनको प्रोटेस्ट पे हो गए हैं, गवर्नमेंट के दरवाजे बंद है मेरे ख्याल से। तो मैं दिल्ली सरकार से भी और यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों का जो बड़ा त्यौहार महाशिवरात्रि है, सबसे बड़ा त्यौहार है, हमारे साथ पहले भी जुल्म हुआ, हमें इस त्यौहार को जून में मनाने के लिए गया तो उस वक्त भी ऊपर वाले ऐसी रहम की, उस वक्त भी बर्फ गिरा है। तो आज के प्रशासन में ये यहाँ से एक चैलेंज करता हूँ उनको कि कम से कम महाशिवरात्रि पर इनको सैलरी बंद मत कीजिए, इनकी सैलरी रीज करिए बिना किसी शर्त की।
लेकिन इनको आधे स्टार मिले हैं, पुलिस वाले ही जानते हैं, इससे आप पुलिस वालों से कह सकते हैं, मगर हमारी कम्युनिटी पीसफुल कम्युनिटी है, ये 90 से यही इसी पर चल रही है और हमने आज तक कोई ऐसा उल्लंघन किया नहीं है जिसमें किसी को कोई खतरा हो। हमने हर वक्त पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। जैसे कि महिलाओं वैसे महिलाओं को डिटेन कर लिया गया, साथ ही साथ उसको क्या कहेंगे? नहीं करना नहीं चाहिए था इनको, अब क्या आदेश मिले हैं उनके ऊपर से? अगर पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर रहे थे कश्मीरी पंडित, एक तो सैलरी नहीं दी जा रही और ऊपर से आज इन्हीं बेगुनाहों को जाकर डिटेन कर लिया गया है। देखिए ये बात बड़े ऐवान यानी कि जो दिल्ली का ऐवान है वहाँ तक आज अगर ये बात पहुँची जाए ये अच्छी बात है, क्योंकि शिवरात्रि एक बहुत बड़ा पर्व है, इस पर सैलरी बंद करना अच्छी बात नहीं है। कल के लिए वादा किया गया था एजी साहब से मिलवाएंगे। नहीं वादे तो बहुत किए, मोदी उस दिन 11 बजे 11:30 बजे लिख के गवर्नमेंट ने दे दिया कि आप इनसे मुलाकात कराइए, मगर आज तक नहीं किया है।